और गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर ऑल ऑफ यू? सुबह सुबह वापस, अर्ली मॉर्निंग टू कम बैक। और एक दिन, वन मोर डे, प्रभु हमें दिया, प्रभु को धन्यवाद। हाथों को उठा के धन्यवाद, वो धन्यवाद के योग्य, ही इज वर्दी ऑफ ऑल, सब कुछ उसकी कंट्रोल में, एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल। आई एम, प्रार्थना करें, शैल वी प्रे, पास्टर सेलिम प्रार्थना में, रब शिखर रब द एयर वाला, बस शिखर रब, हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, Thank you for everything you have done for us. जो हमारे जीवन में आप सब कुछ किया, धन्यवाद। We count our blessings. हम अपनी आशीषों को गिनते हैं। Name them one by one. उसे नाम देते एक और एक। Lord, we see the things that you have done is amazing. अब हम जो पाए हैं वो चीज, आप हमारी जीवन में जो भी किया, thank you for forgiving all our sins. हमारी सारी पापों को धोने के लिए धन्यवाद। As the psalmist praises you for everything you have done. भजन संहिताकार जिस तरह आपको स्तुति आराधना करते हैं। Psalms 103, 1 to 3 says. भजन संहिता 103 उसके 1 से 3 कहता है। Bless the Lord, O my soul. धन्य हो परमेश्वर, मेरी आत्मा तुझे धन्य कहती है। All that is within me bless his holy name. मेरे अंदर जो भी है उसकी पवित्र नाम को धन्य कहें। Who forgives all my sins. मेरे सारी पापों को क्षमा करता है। Who heals all my diseases. मेरे सारी बीमारियों को चंगा करता है। Redeems my life from the pit. और मुझे गड्ढों में से बचाता है। And satisfy my desire with good things. और मेरी जीवन की तमन्नाओं को अच्छी बातों से भरता है। And so that my youth is renewed like an eagle. मेरे जवानी औकाब के नाई नया होते जाता है। Thank you God. धन्यवाद यीशु। So much to thank you. कितने अधिक हम धन्यवाद करने के लिए। Lord, you're beyond our thanksgiving. हमारी धन्यवाद के से बढ़कर है प्रभु जी आप। Your gifts are indescribable. आपका तोहफा गिनती से भी बढ़कर है प्रभु जी। Thank you so much. धन्यवाद यीशु। Give you all the glory. सारी महिमा तुझे देता हूँ। Jesus name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और सबने कहा, And everyone said, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 1:21. देखो उस देश को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किया देता हूँ। Look, the Lord your God has set the land before you. इसलिए अपने पितरों और परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार, Go up and possess it. उस पर जाकर चढ़ो, As the Lord the God of your father has spoken to you. और उसने अपने अधिकार में ले लो। Do not fear or be discouraged. ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। Amen. पहला यूहन्ना 4 उसकी 18। First John 4:18. पहला यूहन्ना 4:18. First John 4:18. प्रेम में भय नहीं होता। There is no fear in love. वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता। Perfect love casts out fear. क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। The fear involves torment. जो भय करता है वह प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। But he who fears has not been made perfect in love. कल मैंने बात किया था कैसे प्रभु हमें सब कुछ कब्जा करने के अधिकार और सामर्थ्य। Yes, I spoke about how God gives authority to possess everything. अब तभी प्रोसेस कर सकता है जब आपको डर और शक नहीं है। यू कैन ओनली पोजेस दोस पोजेशंस व्हेन देयर इज नो फियर और डाउट। आमेन। जहां पर डर है उधर शैतान है। व्हेन देयर इज फियर देयर इज इविल स्पिरिट। जहां पर विश्वास है उधर परमेश्वर है। व्हेन देयर इज फेथ देयर इज गॉड। इस धरती में जो भी हम खरीदने का हमें पैसा चाहिए। Whatever we want to buy, we have to give a currency called money. पैसा रहेगा तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। If you have money, you can buy anything. लोग बोलते हैं माँ को नहीं खरीद सकते, इन दिनों में माँ को भी खरीदने के लिए मिलेगा। They say that you cannot buy a mother. Nowadays, we can also buy a mother. नकली माँएं बहुत मिल रही हैं। There's also fake mothers Hallelujah. on the market. Praise the Lord. Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? धरती में जो कुछ हमको चाहिए पैसे से हम खरीद सकते हैं। Whatever we want on this earth, we can buy from money. उसी तरह परमेश्वर से जो कुछ हमको चाहिए हम पा सकते हैं विश्वास से। Therefore, the currency in heaven is faith. So, whatever we want to get from God, we have to use faith. Faith क्या है? विश्वास। What is faith? F-A-I-T-H. F-A-I-T-H. Father, all into thy hand. पिताजी सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ। परिभाषा इंग्लिश में, Father, all into thy hands. पिता, मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ। Father, I give everything into your hands. Faith का विपरीत है डर। The opposite of faith is doubt or fear. Amen. शक करने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। God doesn't like anybody who doubts.
यानी कि विश्वास करने वालों से प्रभु खुश होता है। That means God loves and is pleased with those who have faith। में लिखा है हमको विश्वास करने का कि परमेश्वर है। Hebrew 11:6 says we have to believe that God exists as a rewarder of those who diligently seek after Him। हमको विश्वास करने का परमेश्वर है और हमें उसकी खोज करने को। We have to seek Him। वो दिखता नहीं है उसका मतलब नहीं वो नहीं है। He is not seen doesn't mean that he is not there। पर वो है। He is there। वो एक आत्मा है। He is a spirit। हम दिखता है क्योंकि हमारा एक शरीर है। We are seen because we have a body। परमेश्वर दिखता नहीं क्योंकि वो आत्मा है। God cannot be seen because he is a spirit। शैतान दिखता नहीं वो भी एक आत्मा है। Devil also can't be seen because he is a spirit। दोनों सोर्स है धरती में इसलिए यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है। There are two sources, as John 10:10 says। चोर आता है चोरी करने घात करने के लिए नाश करने। There's one side the thief which has come to kill, steal and destroy। यीशु कहा कि मैं आया ताकि तू जीवन पाए। Jesus which he said that he came to give life। बहुताय के जीवन पाए। And life in abundance। शैतान की सोर्स थम जाएंगे पर यीशु की सोर्स कभी भी थमेगा नहीं। Satanic sources can come to an end, there are limits। But Jesus' source is unlimited। शैतान देता है ताकि आपको नाश के लिए लेके जाए। See, Satan gives to destroy you। पर यीशु देता आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए। But Jesus gives to take you to heaven। इधर भी वो आशीष करेगा स्वर्ग में भी आशीष करेगा। Bless you here and also in heaven। आइए हम वापस वचन में जाएंगे। Again we go to the word। Hallelujah। उधर हम देखते हैं कैसा परमेश्वर लोगों को possess करने के लिए सिखाते थे। There in Deuteronomy we see how God teaches them to possess land। पूरा व्यवस्था विवरण में एक-एक शहरों को possess करने के लिए इस्राएली लोगों को सिखाया। Whole book of Deuteronomy God instructs and teaches Israelites how to go and possess the land। होरेब में रहकर कई आशीषों को पाए वो आगे बढ़ना नहीं चाहता था। In Mount Horeb they got lot of blessing and they didn't want to move forward। फिर परमेश्वर माउंट कौन सा था अमोराइट्स बोल के पर्वत पर लेके गए। Then God took them to the Mount Amorites। अब परमेश्वर बोला जाके तू उधर possess कर। And he told go and possess that place। Amen। पर उनका डर और उनका शक के वजह से वो कर नहीं पाया। But due to their doubt and their fear, they could not possess it। व्यवस्था विवरण एक उसका 19-21। Deuteronomy 1:21-22। हम होरेब से कुछ करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े 19 onward says, so we departed from Horeb, went through all the great and terrible wilderness। भयानक जंगल में होकर चले। We went through all the great and terrible जिसे तुम एमरिए के पहाड़ों के देश के मार्ग में देखा। Which you saw on the way to the mountains of the Amorites। और हम कादेशन तक आए। And then we came to Kadesh Barnea। तूने तुमसे कहा। And I said to you। तुम एमरियो के पहाड़ियों देश तक आ गया। You have come to the mountain of the Amorites। वो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। Which our Lord our God is giving us। देखो हम उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। Look the Lord your God has set the land। तुम्हारे सामने किए देता हूँ। Before you। इसलिए अपनी पितरों का परमेश्वर। Go up and possess it। यहोवा के वचन के अनुसार। As the Lord the God of your fathers spoken। उससे चढ़ो। To you। और उसे अपने अधिकार में ले लो। Do not fear or be discouraged। ना तुम डरो। Do not fear। ना तुम्हारा मन कच्चा। Or be discouraged। और तुम मेरे पास आकर। And every one of you कहने लगे। To me। हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे। And said, let us send men before us। जो उस देश को पता लगाकर। Let them search all the land for us। हमको यह संदेश दे। And bring back word। कि कौन से मार्ग से होकर। To us by the way in which we should go up। किस किस नगर में and प्रवेश करना पड़ेगा इस बात से प्रसन्न होकर and the plan please be मैंने well। तुमसे 12 पुरुष 38 गोत्र पीछे 12 of your men, one from each tribe। परमेश्वर के बातों पर वो लोग विश्वास नहीं किया। They did not believe the word of God। इसलिए वे स्पाई करने के लिए जासूसी करने के लिए लोग। They sent 12 spies to spy the land। हालेलुया अगर वो विश्वास करते तो भेजने की दरकार नहीं। If they had believed in God's word, they didn't have to send a spy there। कितने लोग सुन रहे हैं? जब आप डरेगा, जब आप शक करेगा। When you fear, when you doubt। परमेश्वर के चीजों को जो परमेश्वर आपके लिए रखा आप उसे possess नहीं कर पाए। The things that God has kept for you, you cannot possess it। मसीह यीशु में जब हम आते हैं डर और शक हमें दूर करने When you come to the Lord Jesus Christ, you have to
forsaken, kick out fear and doubt from your life. डर और डाउट होगा तो कभी हम विजय नहीं पा सकते. In Christ Jesus, if you have fears and doubts, you cannot be victorious. इन दिनों में कोरोना वायरस के इस युग में आपको अगर डर और डाउट रहेगा आप बीमारी पड़ जाएंगे. In this time of coronavirus, if you have fear and doubt, you can fall sick. But आपको विश्वास और धैर्य रहेगा. दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं प्रेम सामर्थ्य और संयम दिया है. 2 Timothy 1:7 says, God has not given spirit of timidity or fear, but a power, love and sound mind. Power, love and sound mind, सामर्थ्य, प्रेम और सही मन दिया है. God has given me power, love and sound mind. Come on, जोश बोलो, मुझे डर नहीं दिया है. Say, God has not given me a spirit, evil spirit of fear. उसका मतलब जब भी आप डरते हैं तो शैतान आपको डराता है. That means when you fear, that's an evil spirit that frightens you. डर एक दुष्ट आत्मा है. Fear is an evil spirit. कुछ का भी डर होने दे. There be any kind of कोई fear. व्यक्ति, कोई चीज, कोई जगह. Maybe you're fearing a man or a person or a place. डर आपको सताते हैं. That fear will torment you. डर आशीष नहीं देता. Fear does not bring blessing. Come on, just follow. डर क्या है? What is fear? F-E-A-R. False evidence appearing real. उसका परिभाषा इंग्लिश में है false evidence. गलत सबूत जो हकीकत के जैसे. अभी आप अंधेरे से जा रहे हो, कुछ है नहीं, पर वो अंधेरा आपको डरा रहा है. Just like you go into darkness, there's nothing there, but the fear just false evidence है जो real के तौर से दिख रहा है. गलत सबूत जो हकीकत जैसा दिखता है. कितने लोग सुन रहे हैं? उसी तरह आपके जेब में पैसा नहीं, आपको डर लगता है कि कल क्या होगा. When you don't have money in your pockets, you say, what will happen tomorrow? अरे मैं बताता हूँ, आज तक अगर प्रभु आपको चलाए, कल भी वो आपको चलाएगा. Let me tell you, if till now God has kept you, He will also further lead you. क्या आप उसपे भरोसा करेंगे? Will you believe in Him? आज तक जिस परमेश्वर ने आपको चलाया, कल भी वो आपको चलाएगा. The same God who led you till now will lead you further. आप डरने से कुछ नहीं होने वाला. If you fear, nothing is going to happen. आप विश्वास करेगा प्रभु की महिमा आप पर प्रकट होगा. If you believe, you will see the glory of God. कितना लोग विश्वास करेंगे? आज से मैं डरूंगा नहीं. Today onwards, I will not fear. आज से मैं शक नहीं करूंगा. I will not doubt. मैं विश्वास करूंगा. I will believe. वो जिंदा खुदा मुझे धरती पर रखा है. वो मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा. वो उसके लिए काबिल है. वो सर्वशक्तिमान है. वो सर्वज्ञानी है. सब कुछ में सब कुछ है. उस पर विश्वास करता हूँ जो स्वर्ग और धरती को बनाया, जो सूर्य और चंद्रमा को बनाया, जिसके लिए असंभव कुछ भी नहीं. नथिंग इज इम्पॉसिबल. क्या मैं उस पे विश्वास करूं? Can I believe in him? Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग समझ रहे हैं? If you understand. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. I am experiencing the presence of God. जब मैं जीवित परमेश्वर की बातें कहता हूं. When I speak the word of the living God. I will not doubt. मैं डरूंगा नहीं. I will not fear. डर करने वाला को डरपोक कहते हैं. Those who fear are called fearful. वो धैर्यशाली है जो प्रभु पे विश्वास करते हैं. They are bold and courageous who believe in God. Hallelujah. Hallelujah. डर हमेशा शैतान से कनेक्टेड है. Fear is always connected with Satan. पर विश्वास हमेशा परमेश्वर से कनेक्टेड है. Faith is always connected with God. मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूँ. मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ. I believe in Jesus Christ. मेरे पास यीशु मसीह जैसा विश्वास. I have faith like Jesus Christ. अगर मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ. If I believe in Jesus Christ. अगर मेरे पास यीशु मसीह जैसा विश्वास है. I have faith like Jesus Christ. मुझे डर कभी नहीं आएगा. Then fear cannot come into my life. मैं कभी भी शक नहीं करूँगा. I will not doubt. कितने लोग सुन रहे हैं? मेरे साथ बोलो. Say with मैं यीशु मसीह पे मैं कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई जगह पे नहीं, मैं यीशु मसीह पे विश्वास. I'm not believing putting my faith on some person, place or things. I believe I put my faith on Jesus Christ. मेरा पास यीशु मसीह जैसा विश्वास. And I have faith like Jesus Christ. यीशु मसीह के पास विश्वास है, उसने मुझे दिया है. God has faith with him and he has given me a measure of faith. मैं उसे काम में लाता है, मेरी हर जीवन के. When I bring the faith into work, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में वो काम आता है. It comes to use in every area of my life. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग सुन रहे? How many fellows think? पहले बात हमको doubt नहीं करनी. First of all, we must not doubt. Doubt संदेह नहीं. शैतान की हथियार. Because doubt is a weapon of Satan. शैतान आपको doubt से शक कर. Satan makes you feel doubt about everything. प्रभु का वचन कहते हैं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ. If God's word says, by His stripes I'm healed.
शैतान आपके मन में ऐसा थोड़ी जो होता है। And they will come and whisper into your ears. यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगा होता है। Doesn't happen this way. That the boy is trying to be healed. It doesn't happen like that. क्या शक का ये? So what happened that fear brings doubt in your mind? अगर प्रभु का वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, तो मैं चंगा हूँ। God's word says, by stripes I'm healed and I'm healed. आपको उस पे खड़ा होने का। You have to stand on the promises of God. यीशु मसीह वचन बेच के आप अभी आप बीमार हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, वचन भेज के आपको चंगा करेगा, आप विश्वास करेगा, आप चंगा ही पाएंगे। God is sending His word through us and receive it and you'll be healed right now. नहीं ऐसा थोड़ी जो। And you may be saying, oh, does it happen this way? तो चंगा ही नहीं पाएंगे। That's why you don't receive the healing. उसको बोलते हैं शक। That's called doubt. आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, heaven and earth will pass away. पर मेरा वचन कभी नहीं चलेगा। But God's word, the word of God, will never pass away. प्रभु के मुंह से निकला वो वचन जो विश्वास करेगा उसके लिए वो करके ही वापस आएगा। Every word that proceeds from the mouth of God, when you believe it, it will happen for them. Amen. Amen. कितने लोग बोलेगा मैं विश्वास करूं? How many will say I will believe? व्यवस्था विवरण 1 उसका 22। Deuteronomy 1:22. और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, and everyone of you came here to me and हम said, अपने आगे पुरुषों को भेज दूंगा, let us send men, men जो उस देश का पता लगाकर, oh, let them search out the हमको land ये संदेश दे and bring back कि word कौन से मार्ग से होकर चलना होगा, of the way which we should किस go up, नगर में प्रवेश करना पड़ेगा, and of the cities into which we shall come. Hallelujah. Hallelujah. वो लोगों को भेज के परीक्षा ले, टेस्ट करना चाहते, they want to send spies and test the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर की वचनों को संदेह कर रहा था। They were doubting the word of God. पर वो भेजा और वो सच में परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने लगा। They send the spies and started believing. 10 जन उल्टा रिपोर्ट दिया, 2 जन सही रिपोर्ट दिया। The 10 spies gave a evil report and 2 spies gave a good report. दो व्यक्ति बोला वो शहर दूध और जैसा परमेश्वर का वचन लिखा वैसे ही है, दूध और हनी बहता है उधर, दूध और मधु बहता है। Spies came back there with a report that truly that land is like. 2 जन. Okay, 2 spies said, oh, the land is just like God described, a land of milk and honey. But 10 ulta report bole, udhar ke log sahi baat hai, doodh aur honey hai, par udhar ke log bahut giant hai. They too agreed with Joshua and Kavi, yes, the land is full of milk and honey, it's a very good land, but there are giants there. Unke samne hum grasshopper titli ke saman hai. In the front of them, we look like grasshoppers. Hallelujah. Hallelujah. Aaj kaun sa report par aap vishwas? What is the report that you are believing in today? Duniya ka report kehta hai ki coronavirus sabko hoga. The report of the world says there are so many deaths and everything is going to happen. कोड़े खाने से हम But और आप चंगे हैं। And my God's word says, by stripes we are healed. हम लोग कितने लोग को प्रार्थना किए? How many people there are we have prayed for? कई लोग को कोरोनावायरस था, वो चंगाई पाए। Many of them had coronavirus, they were healed when we prayed for them. और सबको बोला कि टेस्ट मत लो। And many people we told them, don't go and take a test. क्योंकि उसके लिए कोई दवाई नहीं, लेके क्या करेंगे? Because there's no medicines for that. पर आप विश्वास करो, प्रभु की चंगाई आपके साथ है। If you believe it, you will see that the healing of God is with you. कुछ लोग विश्वास किया, टेस्ट नहीं किया, वो चंगा। Some people do not test and they believed and they have no कुछ coronavirus. कुछ लोग टेस्ट किया, उनको कोरोनावायरस हुआ, प्रभु उन्हें भी चंगा किया। Some people tested and they were healed. They were telling they were coronavirus negative. कुछ लोग को टेस्ट किया, कोरोनावायरस था ही नहीं। Some people went and tested after prayer, but they had no coronavirus. Those coronavirus. हमारे ऊपर है हम कितना परमेश्वर पर विश्वास करें। It is up to us how far we can believe in God. वो तभी आपका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि जिस समय यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह आपके अंदर एक विश्वास के नाप तोल डालता है। The day you receive Jesus Christ, Romans 12:3 says, God puts a measure of faith. Measure of faith. प्रभु आपके अंदर विश्वास के, प्रभु हमें विश्वास दिया। God has given us faith. हमको उस विश्वास में निरंतर बढ़ते रहे, levels to grow and increase in the level of faith. विश्वास की levels को हमको बढ़ाने का है. We need to increase the level of faith. वो तभी होगा जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऐसा वचन आप सुनेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा. It the level of faith can only be enhanced by reading the word, by praying, spending time with word, and also coming and hearing the word that we share. रोमियो 10 उसका 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है. क्या सुनने के? प्रभु के वचन सुनने से. Romans 10:17 says, now faith comes from hearing, hearing the word of God.
हालेलुया हालेलुया कितना लोग सुन रहे हैं आई एम लिसनिंग जितना प्रभु के वचन सुनेगा द वे यू लिसन एंड हियर द वर्ड ऑफ गॉड जितना प्रभु में बने रहेगा द वे यू ग्रो इन द लॉर्ड जितना ऐसी वचनों को आप सुनते रहेंगे द वे हम द मशीन व्हिच यू स्टार्ट हियरिंग द वर्ड ऑफ सुबह आने को बोलता है व्हाई डू आई एनकरेज यू टू कम अर्ली मॉर्निंग क्योंकि एक घंटा मैं आपके अंदर को विश्वास की सलाइन को लगा रहा हूं बिकॉज़ 1 आवर आई एम पुटिंग द इंजेक्टिंग यू द सलाइन ऑफ जो एक घंटा बैठेगा Those who sit 1 hour. इन वचनों को सुनेगा. And listen to the word. ये मेरा वचन नहीं है प्रभु का वचन. It's not my word, it's God's word. आपके अंदर विश्वास को जागृत करेगा. It will revive faith inside you. आप फिर ना रुकने वाला व्यक्ति बनेंगे. Then you become unstoppable person. आप आशीष पाने वाला व्यक्ति होंगे. You will be a person of full of blessing. आप धरती में सारी आशीषों को कब्जा करेंगे. Then you possess all the blessings on the earth. प्रभु कहा है तो हमको पाने का भाई. If God has said it, then we should possess it. कोई डाउट नहीं. There's no doubt about it. हम विश्वास करते हैं. We must believe. विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। All things are possible with those who believe. भजन संहिता 12 उसका 6। Psalms 12:6। 12 उसका 6 भजन संहिता। Psalms 12:6। मिला? Did you get it? जोर से बोलो मैं शक नहीं मैं विश्वास करूंगा। I will not doubt, I will believe. Say loud. परमेश्वर का वचन पवित्र है. The words of the Lord are pure words. परमेश्वर का वचन पवित्र है. The words of the Lord are pure words. परमेश्वर का वचन स्थिर है. The word of the Lord are still. दुनिया में कोई भी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते सब हिलता है. You cannot trust in anything of this world because they all are shaking. परमेश्वर का वचन स्थिर है. But God's word is आकाश हिल जाएंगे धरती टल जाएंगे. That's why it says heaven and earth will pass away. मेरा वचन कभी नहीं टलेगा. God's word will not fall. आकाश हिली तो हिली पहाड़ टली तो टली आकाश हिली तो हिली पहाड़ टली तो टली यीशु का कहल वचन बाइबल में लिखल वचन कभी ना टली आकाश हिली तो हिली पहाड़ी टली तो टली आकाश हिली तो हिली पहाड़ टली तो टली एक दिन आकाश और धरती टल जाएंगे One day heaven and earth will pass away. उसका वचन कभी But नहीं his word will उसका never pass वचन away. पवित्र है परमेश्वर का वचन पवित्र है His word is pure. उसे चांदी के समान like silver, जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई tried in the furnace of the earth, और सात बार निर्मल की गई purified seven times. अद्भुत वचन है परमेश्वर It's extraordinary word. कितना लोग विश्वास करेंगे If you believe in this word. अद्भुत है परमेश्वर Say loudly, God's word is amazing. ये वचन आपको चमत्कार दे This word will bring miracles. ये वचन आपको चंगाई दे This word will bring healing. ये वचन आपको आशीष दे This word will bring blessing. बंधनों से छुटकारा दे Bring bond, totally deliverance from bondage. प्रभु का वचन कहता है तुम जो धरती में बांधेगा मैं उसे स्वर्ग में God's word says, what you bind on earth is bound in heaven. तुम जो धरती में खोलेगा मैं उसे स्वर्ग में खोलूंगा Whatever you lose on earth is losing in heaven. वचन के द्वारा Through the word of God. क्योंकि प्रभु वचन बंद है Because God is word प्रभु कुछ भी करता है तो वचन से करता है whatever God does, he does only through the ये word. वचन में हमको शक नहीं हमको विश्वास करने should not doubt this word, but should believe हमको in विश्वास the word. करने का We have to believe in God's प्रभु का वचन कहते हैं मैं घर के अंदर आशीष तो मैं घर के अंदर God's word says I'm blessed when I come in मैं घर के बाहर आशीष तो मैं घर के बाहर आशीष The word says I'm blessed when I go out मेरा टोकरी भर कर बहेगा मेरे अकाउंट भर के बहेगा परमेश्वर का वचन कहता है my basket needs will overflow and my bank on offer it will overflow aapko vishwas karna you have to believe wo ho nahi padega it has to happen nahi hota hai to aapka vishwas ki kami ghati if it does not happen it's because lack of faith kitne log sun rahe hain if you're listening bhajan sahita 19 uska 7 psalms 91:19 yahova ki vyavastha khari hai god's word is true yahova ka vyavastha khari hai the law of the lord is perfect perfectable It's perfect. अगर कुछ परफेक्ट है धरती में तो प्रभु का वचन There's something perfect on this earth, it's the word of God. ये सिर्फ काला अक्षर नहीं ये काला अक्षर सामर्थ बराबर It is not just words, but it's word with power. दुनिया में बोलते काला अक्षर भैंस बराबर नहीं भाई ये काला अक्षर सामर्थ बराबर पावर है भाई Just mere words, it's words of power. यहोवा का व्यवस्था खरी है परफेक्ट है The Lord is perfect. वो इधर उधर नहीं वो बराबर डॉट के अनुसार काम करता है It doesn't change here and there, but works on the dot.
बहला देता है, कन्वर्टिंग द सोल. जब आप इसे पढ़ता है आपका प्राण में खुशी आता है. When you read this word, you should bring delight in your soul. मेरी ताकत है भाई. The joy of the Lord is my strength. असंभव को संभव करता है भाई. He makes impossible possible. नामुमकिन को मुमकिन करता है भाई. Makes impossible possible. यहोवा के नियम विश्वास योग्य है. The testimony of the Lord is sure. वो खरा है भाई. It is perfect. Perfect है. It is perfect. वो हम विश्वास घात करते हैं पर प्रभु का वचन विश्वास योग्य है भाई. We are faithless, but God's word is faithful. कई बार हम विश्वास करते फिर भी कई बार हम शक में चला जाते. Sometimes we believe, but sometimes we go into doubt. Hallelujah. Hallelujah. उसका वचन विश्वास योग्य. His word is faithful. हम खड़ा रहे या ना रहे वो मेरे लिए खड़ा रहता है. Whether you and I stand or not, God's word always stands for us. साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है. Making wise us simple. Hallelujah. उसका वचन हमें बुद्धिमान बना देता है. God's word makes us wise. हमें ज्ञानी बनाता है. Makes us wise. कितने लोगों को ज्ञान चाहिए? How many of you need wisdom? वचन पढ़ो. Speak. वचन सीखा. Read the word. Teach the word. वचन में चलो. Walk in the word. वो आपको ज्ञानी बनाए. It make you wise. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many people? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Am I talking to somebody? इस्राएलियों के सामने वादा वाला शहर वो लोग के लिए important था. In the time of Israelites, in the Old Testament, the promised land was so important for them. उन्हीं के लिए जीता था. मैं वादा शहर में जा रहा हूँ. They would live for that very purpose. That I am going to go to the promised land to possess it. आज हम लोग स्वर्ग के राज्य जाने के लिए जीते. Today, what are we living for? अधिकतर लोग हम बोलते हैं उद्धार पा लिए, बपतिस्मा ले लिए, पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ. बहुत अच्छी बात है. Many people say that I am born again, water baptized, spirit filled, and I am going to go to heaven. Very good. मैं यीशु में चालू के यीशु में खत्म करूंगा. I will begin with Jesus, I will finish with मैं Jesus. स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा. I will live like heaven on this earth and I'll go to heaven. कितने लोग सुन रहे? बहुत अच्छी बात. Very good. हमारा वादा वाला शहर स्वर्ग हमारे लिए इंतजार कर रहा है. Because the promised land for us. यीशु मसीह जल्द मेघों पे आने वाला है. Jesus is coming soon. मुझे और आपको स्वर्ग ले जाने के लिए. Take you and me to heaven. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? यीशु के लिए तैयार रहो. Be ready for Jesus. हमारी आशा यही है. This is our only blessed एक दिन मेरा यीशु जल्द मेरे पर आने वाला है. In the clouds. तब तक हमें तैयार रहने का, दूसरों को तैयार करने का. We have to prepare ourselves and prepare others for it. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे? How many people sing? Amen. Hallelujah. यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ क्रूस में कर दिया. Jesus Christ has done everything completely. यीशु मसीह के कालवरी क्रूस में मरने के द्वारा सब कुछ वो मेरे लिए आपके लिए कर दिया. By Jesus' death on the cross, He has completed and accomplished everything on the cross. वो हमारे लिए doubt नहीं, वो हमारे लिए विश्वास है. That should not be a piece of doubt. हमने और आपने क्रूस में यीशु मसीह को मरते हुए नहीं देखा. You and I did not see Jesus die on the cross. हमने वचन के द्वारा सुना. But through the word we read it and heard it. उन वचनों को सुना तो मैंने विश्वास किया. When I read the word, I believed. मेरा यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मरा. Jesus Christ died on the cross. तीसरे दिन जी उठा. Third day rose up again. आज मेरा यीशु मसीह जिंदा. Today my Jesus alive. स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठ के मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है. He's seated at the right hand of the Father. हर रोज उसको हमको विश्वास करने का बोलते रहने. We need to believe and confess it. Amen. Amen. आप जो हमें दिखता है उससे बढ़कर हकीकत है मेरे लिए यीशु मसीह. More than that you can see us, more reality is God, Jesus Christ in heaven for me. कितने लोग सुन रहे? How many people listen? उसमें कोई doubt नहीं. There's no doubt in that. Doubt नहीं. No doubt. शक नहीं. No fear, no doubt. जब आप शक करेगा डर आएगा. When you doubt, fear comes in. आपका health. Regarding your health. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 120 साल जीऊंगा बिना बीमारी के. Therefore I always say I'll live for 120 years. अगर यीशु मसीह की आगमन देर होगा. If there's delay in Jesus coming. Amen. Amen. मेरे सर के बाल से लेके नाखूनों तक प्रभु की अभिषेक. मेरे बाल को प्रभु गिन के रखा. God has numbered my hairs. मैं शक नहीं करता. I will not doubt. मैं विश्वास करता हूँ. I believe. मैं ऐसे ही जवान. I am young. ऐसे ही तंदुरुस्त. I'll be strong. 120 साल अगर प्रभु दिया तो जीऊंगा. I will live. 150 कोटि को यीशु के पास लेके आऊंगा. प्रभु मुझे दौलत और शांति देगा. God gives me wealth and peace. Blessings देगा. Blessings. मुझे नीतिमान रखेगा. He'll keep me righteous. मुझे अभिषेक से भरेगा. He'll anoint me. क्योंकि वो क्रूस हमें सामर्थ्य देता है. Because the cross gives me power. पहला कोरिन्थियों का 1 उसकी 18 में लिखा है. 1 Corinthians 1:18 says. क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए पावर है भाई. The message of the cross is power for those who believe. परमेश्वर मेरे सामने रखा है.
He has kept it before me. हमको वो हमेशा देखने का. We have to remember the cross. हमें confess करने का. Confess that हमें विश्वास करने का. But to believe in the finished work. यीशु मसीह मेरे लिए किया. That Jesus did it for me. मैं नहीं जानता आपके लिए किया कि नहीं. I don't know whether he did it for you. पर मैं विश्वास करेगा तो उसकी महिमा को देखेगा. I will see the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. जब मैं वो देखकर बोलते रहेगा, confess करेगा, प्रभु इस धरती में मेरे लिए जो कुछ रखा वो सारी बातें मैं प्रोसेस करूंगा. When I believe and I confess it, whatever God has kept for me on this earth will be done. पर एक शैतान है. But there's a Satan. जो आपके बीच में बीमारी लेके आए. Who comes to give you sickness? बीमारी कौन देता है? Who gives sickness? परमेश्वर नहीं देता. Satan. God doesn't give. शैतान देता. Satan gives. आप उससे भगाओ. You have to resist him. Drive him out. शैतान की सामना करो, वो भागेगा. The word of God says, resist the devil, he will flee from you. वो दिखता नहीं, कैसे सामना करेगा? He's not seen. उसके वचन के. आपको चार हथियार दिया है प्रभु. God has given you four weapons. एक यीशु का वचन. Name of the word of Jesus. यीशु का नाम. Name of Jesus. यीशु का लहू. Blood of Jesus. और आपको जो गवाही दिया वो गवाही. And the testimony God gives वो शैतान के लिए मुंह तोड़ जवाब. That is a straight answer to Satan. प्रभु आपके जीवन में एक अच्छा करता है. When God does some good things in your life. वो आपके लिए गवाही है. That is a testimony for you. वो सबको बताओ. Say, share it with others. शैतान फिर आपके सामने पंगा लेने नहीं. Satan will not come to. Hallelujah. To deceive. वो बीमारी देने के लिए आता है. He comes to give sickness. वो confusion देने के लिए. He brings confusion. वो गरीबी रखने के लिए आता है. Satan comes to give poverty. आपको श्राप में और पाप में डुबाने आता है. He wants to immerse you in sin and in poverty. पर कालवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने उसको तोड़ दिया. But in the cross of Calvary, Jesus broke and destroyed. उसको पैरालाइज कर दिया. Paralyzed all his actions. उसको नष्ट कर दिया. Destroyed him completely. कोलोसियों 2 का 15. 2:15 की किताब 2:15 मिला. You get it? Colossians 2:15. उसने प्रधानता और अधिकारों उसने मतलब यीशु मसीह ने Jesus Christ, प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर निजाम principalities and powers, उनको खुला खुला तमाशा बनाया. He made a public spectacle और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाया. पैरालाइज कर दिया. टोटली पैरालाइज नष्ट कर दिया. डिस्ट्रॉयड हिम. अब वो हम प्रभु की अमानत है. We are the possession of God. वो हमारी पास. इसलिए हर रोज मैं बोलता हूँ 10,000 किलोमीटर जहाँ मैं निकलूंगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट शैतान मेरे सामने आ ही नहीं सकता. आएगा तो चकनाचूर हो जाएगा. 10,000 feet far away, wherever I go, Satan cannot come near me. If he comes, he'll be destroyed. बीमारी नष्ट होगा. The sickness will be destroyed. परेशानी नष्ट होगा. The trouble will be destroyed. हम छुटकारा पाएंगे. We'll get deliverance. मुक्त जिसे आजाद करते वो आजाद है. Sunset free is free. Hallelujah. कितना लोग सुन रहे हैं. मैं उस डैडी का बेटा हूँ. I am the child of that father. वो मेरा डैडी है. He is my father. मैं उसका बेटा हूँ. I am his daughter. मैं विनर हूँ. I am a winner. मैं विजयी हूँ. I am victorious. क्योंकि यीशु मसीह 2000 साल मेरे लिए विजयी हुआ. Because Jesus Christ 2000 years back became victorious. वो जानता है विल्सन आ रहा है क्योंकि वो विजय होने का है. He knew that I am Jesus Wilson is coming and I must be victorious. शैतान को नष्ट कर दिया. He destroyed Satan. Calvary cross पर. On the cross of Calvary. Hallelujah. सारी अधिकार और सब कुछ हमें दिया. He gave us. Jesus gave us all the authority and power. हमारा एक ही काम है उसे possess करने का. Now our only work is to possess the authority and power. जिसके नाम से यीशु के नाम से. Whose name is the name cross of Jesus? की power को हमको claim करना. We have to claim the power of the cross. Hallelujah. Hallelujah. Just by विश्वास से हम उसे कब्जा कर सकते. Only through faith we can possess it. अनेक इस्राएली लोग कनान शहर में पहुंच नहीं पाए. Many Israelites could not reach the promised land. Why? अविश्वास के कारण. Due to their unbelief. इब्रानियों 3 उसका 19. Hebrew 3:19. क्यों वो कनान देश पहुंच नहीं पाए? Why could they not reach the promised land? क्योंकि अविश्वास के कारण. Because of their unbelief. अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके. So we see that they could not enter because of unbelief. Hallelujah. Hallelujah. अविश्वास. आपको कुछ दिलाता नहीं प्रभु से. Faith gives something from God, gets something. अविश्वास कुछ भी प्रभु से आपको दिलाता नहीं. Unbelief cannot give you anything from Jesus. पर विश्वास से सब कुछ आप प्रभु से पा सकते. But through faith you can possess everything from God. व्यवस्था विवरण 1 उसका 31 और 32. Deuteronomy 31 and 32. फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है. In the wilderness where you saw how the Lord your God carried you. उसी रीति as a man
हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचा सकता है Carries his son, उस सारे मार्ग में जिससे हम आए उठाए रहे the way that you went, इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया you came to that place. वे लोग विश्वास नहीं किए they did not believe hallelujah hallelujah कितने लोग सुन रहे हैं क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ विश्वास के कारण वो वादा शहर केनान देश में दूध और मधु बहने वाले शहर में पहुंच नहीं पाए due to the unbelief they could not enter into the land of milk and honey अब पुराने नियम में नहीं पहुंच सके तो नए नियम में हम कैसे पहुंचे in the old testament they could not reach we can reach in the new testament इस धरती में हमको कुछ प्रोसेस करने का कुछ पाने का है प्रभु से तो हमको विश्वास करने का If you want to possess something in this world, we need to have faith. हमको आसानी से पवित्र आत्मा को बोलो मुझे विश्वास दो. Ask Holy Spirit, Lord, give me faith. वचन पढ़ेगा आपको विश्वास मिलेगा. When you read the word, you get faith. प्रार्थना करेगा आपको विश्वास आएगा. When you pray, you get faith. अब विश्वास में बढ़ता जाएगा. And you keep on maturing in faith. और जब वो शक करने लगा, दूसरी बात उनको अटैक कर रहा था, discourage. And when they started doubting, there was one more thing that attacked them was discouragement. आज कई लोग निराशा में हैं. Now many people are discouraged. क्यों निराशा में जाते हैं? Why are they discouraged? जो आशा रखते हैं, अगर आप कोई व्यक्ति पर आशा रखते हैं, कोई चीज पर आशा रखते हैं, जब आपको नहीं मिलता, आप निराशा में चला जाते हैं. When you don't meet your when the needs are not met with your expectations are not met, you are disappointed. When you put your faith in man, people, positions, and that doesn't meet your expectation, you are disappointed. कई लोग मुझे सुन रहे आप निराशा में यू आर डिसअपॉइंटेड आज हम आपको बोलना चाहते हैं आप निराशा से बाहर आइए कम आउट ऑफ दैट डिसअपॉइंटमेंट प्रभु पर आशा रखिए पुट योर ट्रस्ट इन द लॉर्ड कोई व्यक्ति कोई चीज कोई जगह पर नॉट ट्रस्ट इन द पर्सन प्लेस और थिंग आशा रखिएगा आपकी आशा टूट जाए दैट ट्रस्ट विल बी ब्रोकन आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड आप आशीष नहीं पाएंगे यू कैन बी ब्लेस्ड ये 10 जो जासूस थे दिस 10 स्पाइस वो निराशा की रिपोर्ट लेके आए They bought a very bad report. Amen. Amen. उसके कारण क्या हुआ? एक झुंड लोग उस पर विश्वास करें, अब वो वादा शहर में नहीं पहुंच सके. So the only a few people believed and few people. अनेक झुंड लोग उस पर विश्वास करें और अनेक लोग वादा शहर में पहुंच नहीं पाए. Many people believed and many people could not enter the promised land. 10 जासूस पर कई लोग विश्वास किए उसके द्वारा अनेक लोग वादा शहर में नहीं पहुंच पाए Because when they heard the evil report of the 10 spies many people could not enter the promised land because they believed in that bad report. कई विश्वासी लीडर होकर अविश्वास की बातों को कहेगा अनेक लोग उन बातों को सुनकर वो जो पाने का है वो पा नहीं सकेगा मेनी लीडर्स स्पीक अबाउट अनबिलीफ एंड अनफेथ वर्ड्स व्हिच हैव नो फेथ टू डू व्हिच मेनी बिलीव अदर बिलीवर्स गेट अफेक्टेड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट देयर प्रॉमिसेस आपको मालूम है 10 लोग जब ये रिपोर्ट लेके आए कई लोग उन पर विश्वास किया व्हेन दिस सिर्फ दो ही लोग वादा शहर में पहुंच पाए सोच सकते हैं Now, this 10 spies, when they came back with a bad and evil report, many people believed in that evil report. Which they could not enter the promised land. Promised land, पहुंचने के बाद छोड़ो रास्ते पे मर गए. Forget about reaching the promised land, they just perished in the wilderness. नकारात्मक बातें. Negative words. Rebellion spirit. Rebellion spirit. परमेश्वर के विरुद्ध और प्रभु के दासों के विरुद्ध रिबेल करने वाला मरबनिक स्पिरिट एक दुष्ट आत्मा है. Rebellion spirit coming against God and His anointed is a rebelling. It's a very bad spirit. हमें परमेश्वर के विरुद्ध कभी भी बुराई मत बोलो. मैं 16 साल से प्रभु के पीछे है मुझे मिला. 16 years behind God, I got nothing. आपने विश्वास नहीं किया. You did not believe it. आप विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा को देखेगा. If you speak words of faith and you believe it, you will see the glory of God. छोटी बातों में फंसो मत. Don't get stuck up in little things of your life. Little things. छोटी बातों को नजरअंदाज करो प्रभु आपको बड़ी बड़ी बात देंगे. Ignore little things, God will hand over great things to you. कितने लोग सुन रहे हैं? I'm jealous. छोटी बातों में फंसो मत Don't मेरे get भाई stuck up in little आप, things, my brothers. आपको प्रभु बड़े बड़े कार्य करने के लिए रखा God has kept you for great mighty things. पर शैतान छोटा सा सोच छोटा से बात little thought, little words, दे देते आप उसी में फंस you that and you get stuck up. फिर उससे बाहर नहीं निकल and you can't come out of it. और फिर बड़ी बड़ी बात के बोलो छोटी में ही अटक जाते so forget about big exploits in the small thing itself you get stuck up. अविश्वास की बातों को कैंसिल करो Cancel and delete negative words and words of unbelief. Hallelujah.
जो शक लाता है, जो शक की बातें लाता है, जो डर लाता है, वो शैतान की हथियार है, नहीं चाहिए मुझे. Those who bring words of doubt and fear is from devil, and I don't want it. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर उनसे नफरत करता है जो शक की बात लाता है. Satan hate, God hates those who bring negative words. वो ही खाली नहीं, शैतान उसे नष्ट करता है. And not only that, the Satan destroys them. व्यवस्था विवरण 1:26-27. Deuteronomy 1:26. तो भी तुमने वह जाने से मना किया था कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपनी अपनी डेरे में यह कहकर कुड़कराने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वंश में करके हमारा सत्यानाश कर डाला. इधर देखो, परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर या. Nevertheless, you would not go up, but rebel against the command of the Lord your God, and you murmured in your tents and said, because the Lord hates us, he has brought us out of the land of Egypt to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us. छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लग रहे. लिटिल थिंग्स, दे वुड ग्रंबल अगेंस्ट गॉड एंड अगेंस्ट गॉड्स अनॉइंटेड. आमेन. आमेन. कितना लोग सुन रहे हैं? आई एम फिलिसिंग. परमेश्वर के विरुद्ध कभी मत बोल. Never speak against God. कितना भी बुराई होने दो, खड़ा रहो. What happens around? आपको उस बुराई से बाहर लेके आए. You must believe God. God will bring you out of all the bad situations. Nothing is difficult for God. कुछ भी प्रभु के लिए असंभव है. प्रभु के लिए कोई गड्ढा इतना गड्ढा नहीं कि जहाँ से आपको निकाल नहीं सकता. There's no pit so deep that God cannot remove you out of that same. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. पर प्रभु की बातों में, विश्वास में खड़े रहो. But we need to stand and believe in the promises of God. Amen. प्रभु पे हमको विश्वास करने का. We need to believe in God. तभी हम प्रभु की बातों को कब्जा कर सकते हैं. Then we can possess the things of God. मसीह यीशु में प्रभु हमें कब्जा करने वाला व्यक्ति बनाए, विजयी वाला व्यक्ति बनाए. In Christ Jesus, God has made us a victorious person. कभी शैतान को बढ़ावा मत दो. Don't glorify Satan. हमें शक करते हैं, आप शैतान को बढ़ाते हैं. Doubt God, you're glorifying आप Satan. आप डरते हैं तो शैतान को कब्जा करने के लिए देते हैं. You give opportunity to devil to come and capture you. शैतान को मौका मिलता है कि आपके ऊपर और प्रभावित हो. Satan gets opportunity how to affect you more. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु पर विश्वास कर. But believe in God. अब तक नहीं हुआ, अब हो जाए. Maybe till now it not happen, it'll happen now. अब तक वो चीजें नहीं हुआ, अब होने लगे. Maybe till now it not happen, it'll happen. Will you believe it? अब तक नहीं हुआ, उसका मतलब ये नहीं कि अब होगा नहीं. Maybe it did not happen, you know, that doesn't mean that it won't happen. होने वाला है. It will happen. कितना लोग विश्वास करेंगे? And if you believe it. अब तक जो बातें हुआ नहीं, वो होने वाला है. Till now what did not happen will start happening. आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करने वाला है. God has come to the heart of man, what God is going to do for you. अगर वचन है तो आप उस पे खड़ा रहेगा. If there's a word, if you stand on it. जो अब तक नहीं हुआ, होने लगेगा. What did not happen till now will start happening. जो अब तक देखा नहीं, वो बातों को प्रभु आपको दिखाए. What things you have not seen till now will you will see it. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आपको मालूम है? Do you know? 10 लोगों के ऊपर परमेश्वर का न्याय गिरा. That God judgment came against the 10 spies. गिनती 14:36 उसका 27. Numbers 14. 36. 36, 37. तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश को भेद लेने के लिए भेजा था, और उन्होंने लौटकर उस देश को नामदाराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभार, सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभार. Then the priest shall command that 36, 37. Then the priest shall command that they empty the house before the No. 14. गिनती 14. गिनती 14, 36. Sorry. उस देश को नामदराई करने के लिए पुरुष यहोवा के मरने से उसके सामने मर गए, परंतु देश के भेद लेने वाला पुरुषों में से नून का पुत्र होशैया, युफने का पुत्र काबिल दोनों जीवित रहे. 36, 37. And the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation murmur against him by bringing a bad report of the land.
But those very men who brought the evil report about the land died by the plague before the Lord. But Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, remained alive of the men who went to spy out the land. Amen. Amen. सारे लोग प्लेग और प्लेग के कारण मर गए, बैड रिपोर्ट के कारण. Ten spies and many others died due to plague, in plague because they believe in the evil report. दुष्ट और नेगेटिव रिपोर्ट आपको मार देंगे. Negative and evil report destroy. आपको खाली नहीं, आपके द्वारा दूसरों को मार देंगे. Not only you, through your words, others also destroy. आप लीडर होके क्या बोलते हैं? So as a leader, what do you speak every day? दूसरों को एनकरेज करो. Do encourage others. आपका वचन दूसरों को निराशा नहीं. Your word should not bring down people and may bring fear and doubt in people, but encourage them. करने के लिए आप आगे बढ़ा. You must encourage people to go and possess the promised land. Deuteronomy 28:38. नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता था, वह वहां जाने पाए, इसलिए तू उसको हिवाय दे, क्योंकि उस देश को इसराइलियों के अधिकारी में वही कर देगा. Deuteronomy 1:38 says, and but Joshua the son of Nun, who stands before you, he shall go in there, encourage him, and he shall cause Israel to inherit it. कितने लोग सुन रहे हैं? I'm referencing. आप निराशा की बात नहीं, आशा और विश्वास की बातों को बोलो. Don't speak so words of discouragement, but always speak words of encouragement and faith. निराशा का रिपोर्ट दूसरों को मौत देता है. The evil and unbelief report always brings a death to others. Negative और evil report हमेशा प्लेग और गड़बड़ी लाता है. Negative and evil report always brings plagues and negative things. पर जोशुआ ने अधिकार लेकर प्रभु की महिमा को प्रकट किया. But Joshua took authority and showed for the glory of God. कितने लोग सुन रहे हैं? I'm referencing. आप एक लीडर हैं. You are a leader. अनेकों के लिए आशीष के कारण. And you are a blessing, reason of blessing to many. आपका बोली निराश नहीं, आपका बोली आशीष लाना. The word should not be discouraging people. आपका बोली blessings लाना चाहिए. The word should bring blessing. Hallelujah. Hallelujah. जब परमेश्वर ने इस बातों को सुना, निराशा की बातों को सुना, वो गुस्सा हुआ. When God heard these 10 spies bad report, God was so angry. व्यवस्था विवरण 1:34-40 हम देखते हैं प्रभु का गुस्सा उधर. Deuteronomy 1:34-35 says it about the wrath of God. अब परमेश्वर ने उनको बोला उधर से वापस चला जा. And God told them to go back from there. शत्रुओं के सामने वो बोला नहीं, लड़ो मत, वापस जा. Before the enemies, God told, "Don't fight." But go back. सुना नहीं. But they did not listen. उसी जगह पर उनको हार का सामना करना. And therefore they had to face defeat. परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति निकाल लिया. God took away, withdrew His presence. परमेश्वर उनके साथ गए नहीं. He never went with them. Hallelujah. Hallelujah. वे उनके साथ अब वे हार गए वो युद्ध में. They were defeated in the war. जब आप अविश्वास करते हैं, पाप आपको हड़पता है. When you do not have faith or you have unbelief, a sin captures you. Amen. Hallelujah. इसलिए डाउट को आने मत दो. So do not let doubt come. डाउट तभी नहीं होगा जब आपका दिल वचन से भरा है. A doubt will not come when your heart is filled with faith. जो आपका दिल भरा है वही मुंह बोलेगा. Whatever your mouth, if your heart, whatever you filled up your heart with, that's what your mouth will speak. इसलिए आपका दिल को वचन से भर. Therefore always fill your heart with word of God. हर रोज कम से कम एक वचन को ध्यान दो. Therefore every day at least one verse take and meditate on it, learn by heart. कितने लोग गाय को देखा? How many of you have seen a cow? कभी देखा है? A ruminating animal. वो दिन भर खाते रहेंगे. Morning he will sit and graze all the grass. रात को देखेगा वो बैठ के चबाते. Night he sits quietly in a place and keeps on. इसी तरह हमको chewing the cud. लेने का है. The same manner we must say the word. मन और दिल को. We must fill our heart and mind. भरने का. Fill our heart and mind with the word. कई बार हम पढ़ते तो है. Many times we read through the word, we don't understand. पर एक वचन लो. But take one word of faith. ध्यान दो. Meditate on it. दिन रात. Keep speaking day and night. उसका 8 कहता है. Joshua 1:8 says. व्यवस्था की ये किताब.
not let the word of the law aapke chit se kabhi depart from your mind daily raat usse mannat karo meditate on it word day and night agar aap aisa karega when you do the same jo bhi kaam aap karega whatever you do wo prabhavshali you will be prosperous and successful paayega you will be successful paayega you will get blessings hallelujah amen isliye shak ko aane mat do so do not let doubt to dar come ko mat ye do baatein fear come in your life shak aur dar saath mein jaate fear and doubt goes together जब आप डरेगा शक आएगा When you fear, doubt comes. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए दोनों को आपको दूर रखने So you keep this twin far away. Amen. Fear and doubt. रोमियो 14 उसका 23 में लिखा है Romans 14 23 says रोमियो 14 Romans 14 23 परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है But he who doubts is condemned if he eats. क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता Because he does not eat from faith. आज जो कुछ विश्वास से नहीं Whatever is not from faith even खाना भी खाता है विश्वास से खा When you eat food, eat with faith. आप जो भी खाते हैं उसे धन्यवाद देकर thank the Lord. हालेलुया बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप शक से खाएगा वो आपको आशीष नहीं करेगा वो आपको if you doubt and eat it, will not give you आपके शरीर में तंदुरुस्ती नहीं दे it will not give strength to your body खाते हैं therefore whenever you eat प्रभु को धन्यवाद करो यीशु का लहू लगाओ always thank the Lord put the blood of that Jesus और फिर खाओ And then eat. वो खाना आपके लिए आशीष That food will be a blessing. वो खाना आपके पेट को डाइजेस्ट करेगा That will bring digestion for you. वो खाना आपके शरीर में तंदुरुस्ती लाएगा That food will bring strength to you. प्रभु का वचन कहते हैं इवन खाने में डाउट करेगा तो वो आशीष नहीं करेगा If the word of God says even if you doubt about eating food also what kind of food you are eating will not bring blessing to you. अगर आप डाउट और अनबिलीफ रहेगा If you have doubt and unbelief शत्रु के चैलेंजेस के सामने आप जीत नहीं पाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू मीट द चैलेंजेस ऑफ सैटन इसलिए हमको वो टेरिटरी में रहने का जहां पर कोई डर नहीं नो फियर विश्वास ही विश्वास ओनली फेथ एंड फेथ विश्वास में निरंतर गढ़ बांधो इन फेथ आपका रूट विश्वास में होना चाहिए रूटेड इन फेथ हालेलुया बी रूटेड इन फेथ आपका 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 टेरिटरी में विश्वास ही होना चाहिए देयर शुड बी फेथ इन योर टेरिटरी आपके इलाका में विश्वास के बातें विश्वास की बातें आत्मा विश्वास की आत्मा लेट देयर बी अ स्पिरिट ऑफ फेथ कालेब और जोशुआ के समान जस्ट लाइक जोशुआ एंड कालेब वो जाके देखा व्हेन दे वेंट एंड सॉ 10 लोग देखा भी वही देखा 10 स्पाइस आल्सो सॉ द सेम थिंग ये देखा तो विश्वास की बातों को द टू स्पाइस सॉ दे सॉ थिंग्स ऑफ फेथ हम स्वर्गीय कनान में जीते वी आर लिविंग इन हेवनली कनान इसलिए अविश्वास आने मत दो So do not let unbelief come into your life. Amen. Amen. विश्वास से प्रभु जो रखा है आपके लिए possess करो. By faith possess those things that God has kept for you. और आशीषें पाए. Obtain blessing after blessing. उसकी वचन पर ध्यान दो. Meditate on God's word. विश्वास की message को सुनो. Listen to the words of faith. और प्रभु में बढ़ते रहो and keep maturing in Christ. अनबिलीव को आने मत दो Don't let unbelief come your way. आपके अंदर जो विश्वास है उसको रिलीज करो What faith that is there inside you, release it. आप परमेश्वर की वारिशत तो जो आपके लिए रखा उसे कब्जा करो And obtain the hair, inheritance God has kept for you. रोमियो 5 उसका 5 में Romans लिखा 5 है पवित्र आत्मा मेरे मनु में प्रेम उंडेलता That God has deposited his love into us आपके अंदर प्रेम है If there's love in your heart, वो कौन सा प्रेम है? What kind of a love is that? Agape प्रेम. Agape love. जिसमें कोई शर्त नहीं. In whom there is no condition. Hallelujah. Hallelujah. आखिरी बात के पढ़ के खत्म करेंगे. I'm going to speak the final पहला word. पहला यूहन्ना 4 उसका 16 से 18. 1 John 4 18 and 19. पहला यूहन्ना 4 16 से जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है. 1 John 4 16. पहला यूहन्ना 4 16. जो प्रेम परमेश्वर हमसे देखो विश्वास का शुरुआत नौ फल में पहला फल है प्रेम फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट द फर्स्ट फ्रूट इज लव अगर आपके पास प्रेम है आप पक्का विश्वास वाला व्यक्ति इफ यू हैव लव यू आर अ पर्सन ऑफ फेथ प्रेम परमेश्वर दिया है बिकॉज़ द लव इज जो प्रेम परमेश्वर हमें रखता है एंड वी हैव नोन एंड बिलीव द लव दैट गॉड हैज फॉर अस वो हमसे प्रेम रखता है कम ऑन जोर से बोलो यीशु मुझसे प्रेम रखता है से लाउडली गॉड लव्स जीसस मैं भी यीशु से प्रेम लव फॉर मी इसलिए परमेश्वर बोला आई टू लव गॉड दो नियम में पहला नियम क्या बोला तू अपने परमेश्वर से प्रेम टू कमांडमेंट्स दैट इज सो वन कमांडमेंट इज लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट क्यों हमको परमेश्वर से प्रेम रखने का
should we love God? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेगा वो प्रेम हमको भरे. When we love God, God will fill us with His love. फिर हम प्रेम से भर जाएं. And we're filled with His love. फिर हम प्रेम करना आसान हो जाएगा. That is easy to love people. फिर प्रेम करना मुश्किल नहीं होगा. It's not difficult to love. उसको हम जान गए हैं. We have understood. Come on, मैं बोलो मैं जान गया. Say I have understood. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है. And God loves me. परमेश्वर मुझे प्रेम से भरा है. And God filled me with His love. हमको उसका विश्वास है. And we have faith in that love. परमेश्वर प्रेम है. And God is love. परमेश्वर प्रेम है पर प्रेम परमेश्वर नहीं. God is love, but love is not God. सुन रहे? You understand? वापस बोलता हूँ. परमेश्वर प्रेम है. God is love. पर प्रेम परमेश्वर. Love is not God. अगर प्रेम परमेश्वर रहता तो लव स्टोरी सब विजय होता था. एक भी लव स्टोरी विजय नहीं. All the love story would have been victorious, successful. परमेश्वर प्रेम है पर प्रेम परमेश्वर नहीं. Therefore we say God is love, but love is not God. Hallelujah. कितना लोग सुन रहे? जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहे. Who abide in love, abides in God. इसलिए प्रेम में बने रहो. So abide in love. परमेश्वर से प्रेम को पाओ. Get love from God. पवित्र आत्मा मेरे मनों में प्रेम उंडेलता है. God is, Holy Spirit is putting love in my mind. परमेश्वर उसमें बना रहता है. I, God remains in that. अगर आप प्रेम से भरा है परमेश्वर आप में बना रहता है. If you remain in love, God, you remain in love. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है. 17th verse. इसी से प्रेम that we may have boldness in the love has been perfect among us. हमें सिद्ध हुआ है. Perfect among us. हमें न्याय के दिन हिवाय हो. This that we have boldness in the day of judgment. है वैसे ही संसार में भी. Because as he is, so are we in this world. Amen. Amen. जैसा परमेश्वर है हम भी वैसे जब हम प्रेम से भरे. As God is, so as we are in when we are filled with love. इसलिए शक कभी भी आप परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातों को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. Therefore, what is that? शक कभी doubt, you will never able to possess the things of God. पर आपके अंदर विश्वास है. If you have परमेश्वर की भली बातों को आप प्रोसेस करेंगे आप धरती में खुद आशीष पाएंगे. हजारों के लिए आशीष बनेगा. If you have faith and you will possess everything what God has kept for you and you will enable others, prepare others to get इन that. वचनों से प्रभु आप सबको आशीष करे. हम प्रार्थना में जाएंगे पास्टर सेलिन के द्वारा. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. You wasn't that a wonderful word? कितना अद्भुत वचन था. I just want to read one word once again. एक वचन को हम पढ़ना चाहते हैं. James 1. याकूब 1. It talks in verse 6 onwards. याकूब 1:6. Let him ask in faith. वो विश्वास में पूछे. James 1:6. पर विश्वास से मांगे. With no doubting. अब कुछ संदेह न करे. But you doubts is like a wave of the sea. क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है. Driven and tossed by the wind. जो हवा से बहती और उछलती. But let not that man suppose that he will. ऐसे मनुष्य ये न समझे कि मुझे. He will receive anything from the. प्रभु से कुछ मिलेगा. He is a double-minded man. वह व्यक्ति दुचित है. And unstable in all. अपनी सारी बातों में चंचल है. Hallelujah. God says he's a double-minded man cannot receive anything from the Lord. परमेश्वर से कुछ भी नहीं मांगे दो तरह के मन वाला व्यक्ति. Sometimes he has faith, sometimes he has no faith. कभी विश्वास है कभी विश्वास नहीं है. So if you're a believer. अगर आप विश्वासी हैं. Learn to live by faith. और इसलिए विश्वास में चलना सीखिए. Just like Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य मुंह से निकला वचन परमेश्वर के मुंह से निकला वचन पे चलते रहेंगे. Hallelujah. Hallelujah. You want faith? You're saying, sister, I don't have faith. I'm having a lot of doubt in my heart. How do I increase my faith? आप बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हमेशा मुझे शक होता है. This is what I did. ये मैंने किया. I took the word of God. मैंने परमेश्वर की वचन लिया. Writing the word of God. और उस वचन को लिखने लगा. For every reason, for every occasion, I had a word. हर विषयों के लिए मेरे पास वचन था. Wisdom, there is word. ज्ञान के लिए वचन है. For healing, there is a word. चंगाई के लिए वचन है. For money, there is word here. पैसा के लिए वचन है. See, our Bible is like a checkbook. आप परमेश्वर का वचन एक चेकबुक के समान है. You need to know the account number. That means you need to know the verses of the Bible. और अकाउंट नंबर आपको चाहिए जो परमेश्वर का वचन है. And write on what you require, money. और जो house, भी आपको चाहिए, house, घर, पैसा, vehicle, गाड़ी, children's marriage, बच्चों की शादी, children to obey you, बच्चे आपको आज्ञा को माने, husband or wife to come back, पति या पत्नी वापस आए, good marriage, अच्छी शादी, whatever you need, जो भी आपको चाहिए, don't cry and sit. रो के बैठो मत. Maybe you lost something. Don't cry. हो सकता है आप खोया है. रो मत.
stand by faith on the word of God. परमेश्वर के वचन में विश्वास में खड़ा. Take out your checkbook. और इस चेकबुक को लो. स्पिरिचुअल चेकबुक. आत्मिक चेकबुक. द बाइबल. बाइबल. राइट ऑन व्हाट यू वांट. जो भी आपको चाहिए लिखिए. राइट ऑन योर अकाउंट नंबर. अकाउंट नंबर लिखिए. इफ इट इज फॉर हीलिंग. अगर वो चंगाई के लिए. Psalm 107:20. भजन संहिता 107 उसका 20. Isaiah 53:4-5. यशया 53 उसका 4 और 5. 1 Peter 2:24. पहला पत्रोस 2:24. Exodus 15:26. निर्गमन 15:26. Exodus 23:25. निर्गमन 23:25. So these are the words for healing. ये चंगाई का वचन है. If it is money, अगर आप पैसा है, take again the word of God. परमेश्वर का वचन लो. Deuteronomy 8:18. व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18. Proverbs 10:22. नीति वचन 10 उसकी 22. Proverbs 13:22. नीति वचन 13:22. Let's see Proverbs 10:22 says blessing of the Lord bringeth wealth. परमेश्वर की आशीष हमें दौलत लाता है. Without any toil or trouble. कोई भी दुख और खेत के बिना. Psalm 23:1. भजन संहिता 23 उसका. Lord is my shepherd, I shall not lack. यहोवा मेरा चरवा मुझे कोई घाटा. Oh, if you don't have money, whole day keep on saying 1,000 times. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Lord is my shepherd, I shall not lack. अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो हर रोज वचन को बोलिए जो पैसा का है. Amen. And it will come. अब वो आने वाला है. Because I've got everything. My house came from here. मेरा घर वचन से आया. I got vehicle from this word. मेरा गाड़ी वचन से आया. My daughter and I was saved from death from this word. मेरा बेटी और मैं मौत से बचाए गए वचन के द्वारा. If somebody is dying, keep saying, I will not die. Psalm 118:17 says, I will not die. 118 उसका 17 कहता है, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा. I will live and declare God's work. Amen. Amen. So don't confess death. Oh, I'm going to die. I'm sick. हम एक आत्मिक युद्ध में हैं. और परमेश्वर की हथियार जो हमें वचन दिया है उसे दोधारी तलवार है. शैतान को काटो. Yes, don't cry. It's time to cut the enemy. He will run away when you cut him. आप शैतान को तोड़ेगा तो वो भाग जाएगा. He will be destroyed. वो नष्ट हो जाएगा. So please take the word. इसलिए वचन को लीजिए. For the word of for whatever you require. जो भी आपको चाहिए. For example, उदाहरण के तौर पर. When we didn't have a house. हमें घर नहीं था. We took Genesis 18:14. हमने उत्पत्ति 18:14 लिखा. Is the word says, is there anything too hard for the Lord? परमेश्वर का वचन कहते हैं कि प्रभु के लिए कोई बात कठिन है. Is there anything too hard for the Lord? क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? Because our bank account was zero. हमारे बैंक अकाउंट जीरो थे. We believed in that word. हमने वचन पे विश्वास किया. We wrote on a letter to God. हम परमेश्वर को लिखा. And that Genesis 18:14 says, is there anything too hard for you? और उत्पत्ति 18:14 में लिखा. So we took out a checkbook, wrote on the account number Genesis 18:14. Genesis 18:14 लिखा. In our checkbook. और चेकबुक में. In our check and we wrote we want a house, 2-bedroom hall kitchen. हमें 2-bedroom hall kitchen चाहिए. And we want a lawn around it. We want garden around it. हमारे चारों ओर गार्डन होना मांगता. Or whatever we asked. और जो भी हमने लिखा. Exactly the same. We got a 2-bedroom hall kitchen with a garden around that building. और जिस तरह हमने मांगा परमेश्वर ने उसी तरह एक गार्डन वाला 2-bedroom hall kitchen एक टावर में दी. And we had no bank account. हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं था. Almost 90% was a gift for us. और 90% किसी ने हमें तोहफा दिया. And only maybe 2 lakh something we had to put. Now it's 1.5 crores house. और 2 lakh हमने डाला, 1.5 crore आज उस मकान का दाम है. So can you see that everything you need is there in your Bible? This is a check. जो भी आपको चाहिए परमेश्वर का वचन में. Only don't doubt. इसलिए कभी शक मत करना. When doubt will come, devil will show you wrong thing, bad pictures and images. और शैतान आपको गलत पिक्चर और इमेजेस परमेश्वर का दिखाएगा. You turn that image into good image. See yourself. If you don't have a house, see yourself sitting in a bungalow or a good house. You're sitting and take God's word. अगर शैतान आपको दिखाता है आपको घर नहीं, तो आप इमीडिएटली अपने मन में देखिए बड़े महल में खड़ा हुआ. And speak God's word. आप परमेश्वर के वचन को बोलो. It will happen. वो होने लगे. Try it. वो करो. Hallelujah, God will do it. परमेश्वर आपके लिए करेगा. Shall we pray? I am प्रार्थना. God is a good God. परमेश्वर अच्छा परमेश्वर. He has good things kept for us. वो अच्छी बातें आपके लिए रखा है. Heavenly Father. स्वर्ग पिता. Thank for this beautiful word you have brought for us. इस अच्छी वचन के लिए धन्यवाद. We are not people who will doubt and shrink back. और हम वो शक करने वाले लोग नहीं प्रभु जी. But we will go boldly with faith and possess our possessions. आप परमेश्वर विश्वास के द्वारा जाकर हम जो जो हमारे लिए है वो सब कुछ हम हासिल करूंगा. Lord, I pray for, we pray for all the viewers. हमारी हर दर्शकों को माफ कर. People are suffering, Lord, because of ignorance. जो जो दर्द में परेशानी में बिना जाने.
ज्ञान के बिना नष्ट हो रहे हैं। Because Hosea says, my people perish due to lack of knowledge. होशिया की किताब कहता है कि ज्ञान के बिना लोग नष्ट हो रहे हैं। Lord, help us as believers to know your word. हमें विश्वासी होकर तेरे वचन को जानने सिखा परमेश्वर। Recognize that you have kept every beautiful, good and perfect things for us. आपने हमारे लिए उत्तम वरदान के तौर से हमारे लिए रखा है, इसलिए धन्यवाद। Help us to possess every promises in this Bible. जो बाइबल में लिखा सारी बातों को लेने के लिए प्रभु हमें मदद कर। 2 Corinthians 1:20 says, no matter how many promises we have. 2 Corinthians 1:20 में लिखा है, जो वादा परमेश्वर हमारे लिए रखा है, all yes and amen in Christ वो हमारे Jesus. लिए हाँ और आमीन है मसीह यीशु में। For the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। Thank you God, we want to take all the promises. मैं सारी वादाओं को लेना चाहता हूँ। And possess our possessions. हमारी possess उसे हम हासिल करना चाहते हैं। Through faith. विश्वास के द्वारा। Bind the demon of doubt and fear from people's life. लोगों के जीवन से शक और डर की आत्मा को बांध देते हैं। Cast it out in Jesus name. यीशु मसीह के नाम से। Negative words. We totally bind the negative नकारात्मक बातों को हम नष्ट कर आउट नष्ट कर देते we cast it out नष्ट कर देते and we release faith into the people हम विश्वास की बातों को उनको रिलीज करते प्रभु Hallelujah. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु. We give you all the glory. सारी महिमा तुझे देता. Let this word go forth and bring forth great testimonies of God. ये वचन जाकर अनेकों की जीवन में गवाही बनने दे. We give you glory. सारी महिमा तुझे In Jesus name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते. Amen. 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 Hallelujah. हम प्रार्थना करेंगे आखिरी प्रार्थना. Shall we pray the final prayer? स्वर्गीय पिता. Heavenly Father. सारी कोरोना वायरस को नष्ट कर. Destroy the spirit of coronavirus. सारे लोग जो प्रभावित हैं. Everyone who's affected by it. Touch and heal them. कोई मरेंगे नहीं. No one will die. सब जिंदा But live and declare your works. India को तेरे हाथ में दे. We give India into your Indian hands. Indian governments को तेरे हाथ में. We give Indian government into your hands. Prime ministers, president, chief ministers. Jammu से लेके कन्याकुमारी. From Jammu to Kanyakumari. बंगाल से लेके गुजरात. Bengal to Gujarat. हर व्यक्ति यीशु को जाने. Everyone to know Jesus. तेरी महिमा प्रकट हो. Let your name be blessed. Glory be manifested. Every knee shall bow and tongue confess. यीशु मसीह प्रभु. And Jesus Christ is Lord. धन्यवाद यीशु तेरी महिमा प्रकट हो. Thank you Lord that your glory be manifested. अद्भुत कार्य. Do extraordinary work. सारी कलीसियाओं को तू आशीष कर. Send all the churches. सारी पास्टर्स को तू आशीष कर. All the pastors. महिमा से भर दे. Fill them with your glory. इन दिनों में तेरी महिमा प्रकट हो. These days let your name be glorified. हमारी सारी दर्शकों को तेरे हाथ में देता हूँ. Lord we give all our viewers into your hands. अगर कोई बीमार है उन्हें If somebody is sick, be healed, let them heal right now. Save their deliverance from all their troubles. दे कर्ज लेने वाला नहीं। Somebody in debts, let them be lenders, not borrowers of us. आशीष कर। Bless them. छुटकारा यीशु के नाम से। Deliverance in Jesus' name. चंगाई यीशु के नाम से। Healing in the name of Jesus. यीशु के नाम से। Blessing flow in the name of Jesus. काम नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। Let the wickedness come to an end in Jesus. हर घर तेरी आशीष हो। Let every home overflow with your blessing. Fill them with your glory. In Jesus' name we pray. Hear an answer. और सबने कहा। And everyone said, Amen. 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 हर रोज सुबह 7 बजे आते हैं। Every morning we come at 7. आप भी आइए। Come. मिलकर हम प्रभु की Together we will glorify God. परमेश्वर का And the love of God. यीशु मसीह के Praise the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा के Fellowship of the Holy Spirit. हम सबों के साथ. Be with all of us. यीशु के बादलों में आने तक. Till the coming of Jesus. बने रहे. Be with और us. सब ने कहा. Everyone said, Amen. 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 बोलो बोलो यीशु मसीह की जय जय जय. प्रभु आप सबको आशीष. God bless all of you.